वेल गाइस, आपके लिए व्हाट्सएप के फाइव न्यू फीचर्स न्यू अपडेट। अभी तक आपने जितने भी व्हाट्सएप पर फीचर्स अपडेट यूज़ किया है उनको साइड में रख के ये कुछ न्यू फीचर्स जो कि 2025 के अपडेट्स है, आप देखना काफ़ी मज़ा आ जाएगा। बट अगर आप एक व्हाट्सएप यूज़र हो तो डेफिनेटली ये व्हाट्सएप के फाइव न्यू फीचर्स आपको 2025 में पता होना चाहिए। वेल गाइस, तो चलते हैं वीडियो पर विदाउट एनी टाइम वेस्ट के। नेक्स्ट अपडेट नंबर 1, चैट थीम। सिंपल गाइस, अगर आप व्हाट्सएप पर ये बोरिंग से चैट वॉलपेपर थीम्स यूज करके काफी ज्यादा बोर हो चुके हो, आपके लिए व्हाट्सएप पर न्यू अपडेट आ चुका है चैट थीम। सिंपल आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट सबसे नीचे चैट थीम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर आपको मल्टीपल कलर्स में थीम्स मल्टीपल थीम्स मिल जाएंगे जो आप अपने किसी भी चैट में इसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको 22 डिफरेंट चैट थीम्स कलर मिल जाएंगे, इनमें से आप कोई भी कलर चैट थीम सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपल आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट आपको सेट थीम के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट ये चैट थीम आपके चैट पर अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह का। अगर आप वॉलपेपर चेंज करना चाहते हो तो सिंपल 3 डॉट नेक्स्ट चैट थीम्स नेक्स्ट वॉलपेपर, वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपना वॉलपेपर भी सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा वॉलपेपर भी चेंज हो चुका है। नेक्स्ट आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट नंबर 2, सर्च ऑन वेब। सिंपल गाइस, आपसे अगर आप व्हाट्सएप पर किसी को फोटो सेंड करते हो या फिर आपको कोई फोटोज कुछ भी सेंड करता है, आप उस फोटो का बायोडाटा यानी कि कुंडली निकाल सकते हो। सिंपल आपको यहाँ पर किसी भी एक चैट के ऊपर क्लिक करना है जो आपको फोटो सेंड करता है। सिंपल आप उस फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइस आपको यहाँ पर सर्च ऑन वेब का फीचर मिल जाएगा। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको गूगल पे रीडायरेक्ट कर देगा। सिंपल गाइस, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, आप व्हाट्सएप पर किसी भी फोटो को इमेज को सर्च कर सकते हो, उसका बायोडाटा आप निकाल सकते हो। अगर आपसे आपको व्हाट्सएप पर कोई फेक फोटो बोलकर ये मेरी फोटो बोलता है तो आप उसे सर्च कर सकते हो गूगल में, उसका रियलिटी सब आपको सर्च में पता चल जाएगा कि ये किसकी फोटो है, क्या नाम है, एक्स वाई जेड सब कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट नंबर 3, ब्लॉक अकाउंट अननोन मैसेज। सिंपल गाइस, अगर आपको व्हाट्सएप पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंजर्स या फिर स्कैम आपके साथ होता है तो आपसे आप व्हाट्सएप पर स्ट्रेंजर यानी कि स्पैम्स के मैसेज स्टॉप बंद कर सकते हो। सिंपल आपको इसके लिए 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको सबसे नीचे एडवांस का एक फीचर मिल जाएगा, लाइक आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपल गाइस, आपको ये फर्स्ट में ही अपडेट मिल जाएगा, ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेज। सिंपल आपका ये ऑफ होगा तो इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपसे आपको व्हाट्सएप पर कोई भी स्कैम के कॉल्स यानी कि स्ट्रेंजर के मैसेज एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं आएंगे। सिंपल गाइस, ये फीचर्स आपके प्राइवेसी के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है तो डेफिनेटली इसको ऑन करके रखना है ताकि आपके साथ कोई भी स्कैम या फिर आपके साथ कोई भी मैसेज पर फ्रॉड ना हो। नेक्स्ट अपडेट नंबर 4, स्टेटस मेंशन। सिंपल गाइस, आपसे आप अपने व्हाट्सएप पर किसी को भी स्टेटस मेंशन कर सकते हो, किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन को, जैसे कि आप इंस्टा पे करते हो, सेम अपडेट आपको आपसे व्हाट्सएप पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल आपको एग्जिट आना है। आने के बाद सिंपल आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कोई भी एक फोटोज या फिर वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद सिंपल मैं एक फोटो के ऊपर क्लिक करूंगा, आपको सबसे नीचे सर्च में मेंशन का अपडेट आ जाएगा, सिंपल @। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहां से किसी भी एक मेंबर को सेलेक्ट कर सकते हो जिसको आप मेंशन करना चाहते हो या फिर विश करना चाहते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आप किसी को भी मेंशन कर सकते हो। सिंपल मैं लक्स बॉय के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर आप चाहते हो तो और कॉन्टैक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आप ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप जिनको भी यहाँ पर मेंशन करके टिक लगाओगे ओनली उनको ही स्टेटस दिखाई देगा, बाकी सभी लोगों को आपका स्टेटस शो नहीं होने वाला है, कोई भी आपके चार्ट्स कॉन्टैक्ट नहीं देख सकता, आपका @ वाइट हो जाएगा। सिंपल आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको शेयर स्टेटस के ऊपर क्लिक करके सेट कर देना है। नेक्स्ट जिसको भी आप व्हाट्सएप पर स्टेटस मेंशन करोगे ये उसको पता चल जाएगा कि आपने उसको स्टेटस में मेंशन किया है, उसको पॉपअप नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। नेक्स्ट अपडेट नंबर 5, म्यूजिक फॉर स्टेटस। सिंपल गाइस, आपसे आप व्हाट्सएप पर किसी भी फोटो के ऊपर सॉन्ग सेट कर सकते हो व्हाट्सएप पर ही, आपको अलग सा एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर करते हो, किसी भी फोटो या फिर वीडियो के ऊपर सॉन्ग सेट, सेम आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो। सिंपल आपको किसी भी फोटो के ऊपर क्लिक करना है। सिंपल गाइस, फोटो सेट करने के बाद आपको सबसे ऊपर सॉन्ग का एक अपडेट मिल जाएगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सिंपल आप सॉन्ग के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपने फोटो पर किसी भी म्यूजिक सॉन्ग को सर्च करके सेट कर सकते हो।
अब से आपको अलग सा एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जिस फोटो को भी आप म्यूजिक में कन्वर्ट करना चाहते हो आप स्टेटस के ऊपर सेट कर सकते हो। बट ये अपडेट अपकमिंग होने वाला है, बट ये अपडेट काफी जल्द मिल जाएगा। वेल गाइस, इन 5 अपडेट में से आपका फेवरेट अपडेट कौन सा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वेल गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।